अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ टू उर्दू चैनल्स। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि कमटासिया स्टूडियो 9 कैसा सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के हवाले से। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के हवाले से ये वीडियो मैंने आप दोस्तों के लिए बनाई है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, नए यूज़र हैं, तो उनके लिए ये स्मिथ कमटासिया स्टूडियो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो इस पर हम वीडियो को एडिटिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम साउंड की रिकॉर्डिंग करते हैं, ये देखिए ना, न्यू रिकॉर्डिंग भी इस पर करते हैं, ओपन प्रोजेक्ट भी इस पर करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट मतलब कि हम नया वीडियो एडिटिंग कर जब भी स्टार्ट करते हैं, कमटासिया स्टूडियो को जब स्टार्ट करते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करते हैं तो आगे चला जाता है, जिससे आप वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। तो और न्यू रिकॉर्डिंग आ गया। न्यू रिकॉर्डिंग ऑप्शन में आप क्या करते हैं कि इस न्यू रिकॉर्डिंग में आप फुल स्क्रीन की रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये सब कुछ इस न्यू रिकॉर्डिंग में आ जाता है। ओपन प्रोजेक्ट से मीन कि हमने पहले प्रोजेक्ट किया, इसमें कुछ काम किया है, हमें कुछ काम और पढ़ के हम चले गए हैं, इसको क्लोज करके फिर इधर ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ओपन प्रोजेक्ट पर आप चले जाएंगे, जहां आपने प्रोजेक्ट छोड़ा था वहीं से आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये तो रहा टीच स्मिथ कमटासिया स्टूडियो 9 का इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा आप देख लेते हैं थोड़ा सा अंदर इसके जाकर के क्या अंदर की जानिब इसका क्या है। ये देखें टीच स्मिथ कमटासिया स्टूडियो वर्जन 9 है, ये ओपन हो रहा है। हैवी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखें ये इसका भाई इंटरफेस आ गया दोस्तों फ्रेंड्स, ये कमटासिया स्टूडियो 9 का इंटरफेस आ गया। तो ये ट्रैक है, इसमें वीडियो डाली जाती है, इधर भी कॉपी पेस्ट और स्प्लिट वगैरह की जाती है इधर, ठीक है। इधर से हम क्लिक करते हैं तो वीडियो को पीसी से लेकर इधर आ जाते हैं, ठीक है। एनोटेशन है, एनोटेशन में हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, इधर हम अपना नाम वगैरह या कोई वीडियो के आगे पीछे कोई भी अल्फाज लगाना चाहते हैं तो इस पर लगा सकते हैं। वो लगाने का तरीका एक मैंने दूसरी वीडियो शूट की है, उस वीडियो में आपको तरीका बताया गया कि किस तरह ये ऐड करते हैं वे। अच्छा, उसके बाद जो भी मर्जी ये सब देखना, जो आप चाहें आल कन पर याल, तो ये सब एनोटेशन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद ट्रांजिशन में देखें कि आप कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, फेड क्राइड, ये देखें ना, ये क्या आ जाएगा कि वीडियो से पहले ये इस तरह हो जाएगा, ये देखें ये वीडियो से इस तरह आ जाएगा, ये देखें दोस्तों, कमाल नहीं होगी कमटासिया स्टूडियो ने तो कमाल कर दी फ्रेंड्स, ये देखें ठीक हो गया, ये देखें क्या कमाल है, अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं, और अगर इसको 30 दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको बाई करना मस्ट होता है। ये देखें कैसा प्यारा खूबसूरत बेहतरीन, मुझे भी बहुत पसंद है ये कमटासिया स्टूडियो 9, ठीक है। ये ट्रांजिशन आ गया, आगे आ गया इसका बिहेवियर, यानी किस तरह आप लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, ये किस तरह इसका स्टाइल क्या है, किस स्टाइल से आप लिखना चाहते हैं, ये देखें इस तरह आ गया, ये देखें क्या कमाल है, ठीक हो गया दोस्तों। ये इस तरह एनिमेशन इसकी, ये देखो एनिमेशन, ठीक है, एक्चुअल साइज कितना है और स्केल बिट कितना है, ठीक हो गया। ये इस पर हम लिखते हैं, ये एनिमेशन आ गया, यानी ये एनिमेट करता है, यानी स्क्रोल और चीज़ है, एनिमेशन और चीज़ है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में हाँ आपको बताऊंगा कि स्क्रोल क्या है और एनिमेशन क्या है। कर्सर इफेक्ट, ये दोस्तों आप सबको पता होगा ये कर्सर इफेक्ट तो आम चीज़ है। वॉइस नरेशन, ठीक है, ये देखें ना, मैं बात कर रहा हूँ वॉइस की आवाज़, जैसे जैसे मैं ज़्यादा बोलता हूँ वो आगे आगे चलता है, इसकी वेविंग वेव लेंथ कितनी है, लैटिट्यूड कितना है, ये सब। अच्छा, ऑडियो इफेक्ट, इसका ऑडियो इफेक्ट क्या है, देखें ना, नॉइस रिमूव, यानी हम अगर ये इधर ऑडियो अगर ऐड कर दें
तो नाइस इसमें आ जाएगा, तो इसको रिमूव इधर क्लिक करेंगे तो नाइस खत्म चला जाएगा, वॉल्यूम लेवल आ जाएगा, ठीक है, इस तरह फैड इन फैड आउट हो जाएगा और क्लिप स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्लिप स्पीड मीन कि क्लिप की कितनी स्पीड है, यानी स्क्रोल इधर, यानी एक चलता हुआ ना अक्सर हमने वीडियो में देखा है तो इधर एक पट्टी सी चलती है और गुजर जाती है, यानी उस तरह इस तरह ये भी क्लिप स्पीड की एक किस्म है। इसके अलावा मोर में चलते हैं तो ये इंटेंसिटी आ गया, कैप्शन आ गया और विजुअल इफेक्ट आ गया। तो ये रहा दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन कैमटासिया स्टूडियो क्या है। तो चलते हैं मीडिया थोड़ा सा और इसमें काम कर लेते हैं कि किस तरह वीडियो को ऐड किया जाता है। तो इसमें हम कोई भी लगा सकते हैं कि वीडियो, कोई भी वीडियो उठाकर किसी भी किस्म की, ठीक है, फनी वीडियो लगा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। ये वीडियो आ गई, ये वीडियो को हम एडिट करना चाहते हैं, इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ ले आएँ दोस्तों, ठीक हो गया, इधर आ गई, ये थोड़ा छोटा कर लें, ये आ गए, ठीक हो गया। अगर हम इसको चलाना चाहते हैं तो ये देखें ना दोस्तों, इस पर क्लिक करें, प्ले बटन पर, देखें ये आ गया, ये देखें दोस्तों। अगर हम इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं इस वीडियो में, ये छोटा है, तो इस पर क्लिक करें, ये आ गया, ठीक है, इधर हम ये आ गया दोस्तों फ्रेंड्स, ये देखें ये कितना कमाल का है, ये ज़राफ़ा जू, ये देखें, ठीक आ गए दोस्तों। इस तरह हम ऐड कर सकते हैं, एंड में स्टार्ट में लगा सकते हैं, और इसका ये जो कैपेसिटी, इनका जो एनिमेशन है, इसका हम साइज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये जो दिया हुआ है इसका साइज़ इधर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने ये अल्फाज राइट करने हैं, किस तरह लोगो लगाना है और क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, गुड बाय, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।